वेलकम टू माय चैनल डिजिटल गुरुकुलम। इन दिस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। देखिए, क्लास 10 तक तो हम यही जाने कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इम्पॉसिबल है, मतलब कि आप माइनस रूट अंडर माइनस फोर का जो स्क्वायर रूट है वो नहीं निकाल सकते थे, वो अनडिफाइंड होता था, ठीक है। बट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉन्सेप्ट का मदद से हम क्या किए, स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आइए हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बोलते हैं जैसे जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ए प्लस आई बी। ये फॉर्म में जो भी नंबर्स रहते हैं, लिखते हैं जब हम नंबर्स को, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5 + 3i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और मान लीजिए 3 - 2i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इसमें जो i है, ये एक ग्रीक टर्म है जिसको हम लोग आईओ जो है इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, IOTA, ठीक है। और यही इसी के चलते हम लोग जो नेगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट निकालना वो पॉसिबल हो पाया। कैसे, बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। सो लेकिन आई का खाली आप वैल्यू यहाँ पर समझ लीजिए कि आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है और आई इज इक्वल्स टू रूट अंडर -1, ओके। अब हम कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, देखिए। मान लीजिए हमको रूट अंडर -4 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, -1 × 4 लिख सकते हैं। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 × √4, और ये -1 का जो वैल्यू होता है ये आई होता है, और रूट फोर का हम लोग को पता है +2i, और ये आई का आई, तो इसीलिए रूट फोर का आंसर रूट अंडर वैल्यू होता है +2i। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस आई आयोटा वी कैन फाइंड अ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। सो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम जनरली जान समझते हैं, ठीक है, और दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। नाउ आई का एक प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग बस पढ़ लेते हैं, कि सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आई इज इक्वल्स टू जीरो। दैट इज, हम मेरा बोलने का मतलब है आई प्लस आई आई का पावर आर, आई का पावर आर प्लस वन प्लस आई का पावर आर प्लस टू प्लस आई का पावर आर प्लस थ्री, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, आई का पावर वन प्लस आई का पावर टू प्लस आई का पावर थ्री प्लस आई का पावर फोर, ये जो होता है जीरो होता है, ठीक है। अब हम एक मान लीजिए एक क्वेश्चन बनाते हैं आई से रिलेटेड, -2i × 1/4i, ठीक है। सो इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालें? सो इसका वैल्यू सिंपली हम निकालते हैं -4 × -1/4i × i, क्योंकि यहाँ भी आई है यहाँ भी आई है, तो ये हो जाएगा i × i, i² हो जाएगा, इसको सिंपली हम ऐसे लिख लेते हैं i² और 2 जा, तो ये हो गया -1/2i² और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। सो हम इसको 1/-1/2 × -1 लिखते हैं, जो कि इसका वैल्यू हो जाता है 1/2। हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बनाने के लिए, जिसमें भी हमको आई स्क्वायर का वैल्यू पुट करना रहता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? तो हम सपोज करते हैं जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू है ए प्लस आई बी, ठीक है। सो जो ये ए होता है इसी को बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है। जो ये ए है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और इसको हम लोग RE(Z) से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो ये बी है ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। आई को हम लोग इसमें नहीं रखते, सिर्फ बी इमेजिनरी पार्ट, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं इमेजिनरी ऑफ जेड, IM(Z), ठीक है। और ए और बी जो होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये कोई भी टू रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी टू रियल नंबर। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए है 2 + 5i। सो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब मान लीजिए जेड इज इक्वल्स टू 2 प्लस
फाइव आई है, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है। सो रियल पार्ट तो यहाँ पर हमको दिख रहा है टू है, तो इसका रियल टू हो जाएगा और इमेजिनरी फाइव है तो फाइव हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ प्लस ही होगा, नहीं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक और लेते हैं, थ्री माइनस सेवन आई, इसमें हम लोग को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं थ्री प्लस माइनस सेवन इंटू आई। सो इसमें जो होगा इसका रियल ऑफ पार्ट ऑफ जेड, मान लीजिए ये जेड है, जेड जो होगा वो हो जाएगा थ्री और इमेजिनरी पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस सेवन, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वालिटी कैसे चेक करते हैं? मान लीजिए जेड वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू है ए प्लस आई बी वन, और जेड टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू है ए टू प्लस आई बी टू। सो जेड वन और जेड टू तभी इक्वल हो सकता है व्हेन रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड वन इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड टू एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू। इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा तभी हो सकता है जब ये ए वन ये ए टू के बराबर हो और ये बी वन ये बी टू के बराबर हो, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ना कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा अभी, इसमें एक की पॉइंट ये है कि वी कांट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हम जो है कोई टू कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऑपरेशंस का। तो सबसे पहला एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे करते हैं। सो हम इसमें भी सपोज करते हैं जेड वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू है ए वन प्लस आई बी वन, और जेड टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू है ए टू प्लस आई बी टू, ठीक है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? सो जेड वन प्लस माइनस जेड टू कैसे निकालते हैं? सो सिंपली हम रियल पार्ट को एक साथ ऐड करते हैं और एक साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, या और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड या एक साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो बोलने का मेरा यही मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड टू और बीच में प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन प्लस माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट इसी टाइप से करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दे हमको क्या करना है, ठीक है। सो इसका मतलब यही होगा ए वन प्लस माइनस ए टू प्लस, और यहाँ आई भी होता है, आई बी वन प्लस माइनस बी टू, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमको, मान लीजिए जेड वन दिया हुआ है टू प्लस थ्री आई और जेड टू है फाइव प्लस एट आई। सो जेड वन प्लस जेड टू कैसे होगा? So, इसका रियल पार्ट टू है, इसका रियल पार्ट फाइव है, तो टू प्लस फाइव सेवन हो जाएगा, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट थ्री है, इसका इमेजिनरी पार्ट एट है, तो इसका हो जाएगा इलेवन, तो इसका जेड वन प्लस जेड टू हो जाएगा सेवन प्लस इलेवन आई, ठीक है, ठीक है। सो हम लोग अब हम मल्टीप्लीकेशन के बारे में समझते हैं। तो फिर वी कंसिडर जेड वन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड वन ए वन प्लस आई बी वन एंड जेड टू ए टू प्लस आई बी टू, ठीक है। हमको क्या करना है, जेड वन जॉट जेड टू मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं? सो सिंपली इसका ए वन प्लस आई बी वन इंटू ए टू प्लस आई बी टू ऐसे करते हैं, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जस्ट ऐसे हो जाता है ए वन प्लस ए टू प्लस आई बी टू प्लस आपका आई बी वन ए टू प्लस आई बी टू। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही आएगा ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू आई स्क्वायर का, जब आप इसमें तो आई आई मल्टीप्लाई आई स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें आपको आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन भी रखना होगा। सो प्लस ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन आई, ये आपका जेड वन डॉट जेड टू का ये, ठीक है। सो हम लोग अब डिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। So we considered a complex number z with value here 1a plus ib. Division करने के लिए हम इसमें division जैसे हम लोग algebraically करते हैं ऐसे नहीं होता। Division करने के लिए हमको एक term समझना पड़ता है inverse of complex number. Inverse of complex number हमको समझना पड़ता है। If मतलब क्या होता समझ जाते हैं, मान लीजिए यही z इसमें भी है, ठीक है ना, तो if z into z1 is equals to 1 हो जाए, तो जो z1 होता है वो होता है इनवर्स ऑफ z,
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स ऑफ जेड। इसको आप सिंपली इसको इन्वर्स को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगर ये मान लीजिए इस टाइप से होता तो जेड जेड कटता तो वन होता, तो वही जेड वन जो होता है वो वन बाई जेड ही होता है। तो इसका अगर मान लीजिए जेड कोई ए प्लस आई बी है तो उसका जेड इन्वर्स को हम लोग जेड वन भी बोलते हैं या जेड का पावर माइनस वन लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन जो होता है वो जेड इन्वर्स को जेड इन्वर्स के तो इन्वर्स से हम लोग यूज करते हैं। सो अगर मान लीजिए जेड वन कोई इस टाइप का है और जेड टू है ए टू प्लस आई बी टू, ठीक है। सो हम लोग को जेड वन बाई जेड टू निकालना है, ठीक है। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जेड वन इंटू वन बाई जेड टू, यानी कि जेड टू का इन्वर्स, जेड टू का इन्वर्स। अब हम लोग जेड वन जो है इसको हम लोग मान लीजिए वैल्यू सबका रखते हैं। सो जेड वन का वैल्यू क्या है, ए प्लस आई बी ए वन प्लस आई बी वन। तो जेड टू का, जेड टू का इन्वर्स का क्या वैल्यू होगा, वो होगा ए टू डिवाइडेड बाई ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस आई माइनस बी टू ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। सो अगर हम लोग फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को डिविजन हो जाएगा। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्जुकेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इसलिए एक एक को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। सो कॉन्जुकेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कम्स वी आर सपोजिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z व्हिच वैल्यू इज a प्लस आई बी, ओके सॉरी a प्लस आई बी, ठीक है। तो कॉन्जुकेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हम लोग z के ऊपर बार से डिनोट करते हैं। ये जस्ट हो जाता है इसका साइन का इनवर्स, मतलब a प्लस आई बी है तो a प्लस जो हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है आई बी, ठीक है। तो इसको ऐसे होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लेते हैं जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका वैल्यू है 5 प्लस 7, तो इसका इन्वर्स का जो कॉन्जुगेट का जो वैल्यू होगा वो होगा 5 माइनस 7, ठीक है। इसी में एक टॉपिक हम लोग और पढ़ लेते हैं, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है। सो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इधर इज इक्वल टू वैल्यू इसका ए प्लस आई बी। सो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इस टाइप से मॉड से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ भी ले लेते हैं, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल्स टू ओवर 2 प्लस 3i। सो मॉड ऑफ जेड जो होगा वो रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 13, तो रूट अंडर 13 हो जाएगा मॉड का वैल्यू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यही बताना होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट मॉड्यूलस और उसका जेड का जो रिलेशन होता है वो होता है मॉड जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड का कॉन्जुकेट, ठीक है। कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड है तो उसका जो मॉड्यूलस होगा वो इक्वल टू होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इंटू जेड का कॉन्जुकेट, ठीक है। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है। इसमें मॉड्यूलस से कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। सो पहला प्रॉपर्टी आपका हो जाता है, मान लीजिए जेड वन जेड टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हम लोग अगर जेड वन बाई जेड टू का मॉड निकाल रहे हैं तो ये हो जाता है इंडिविजुअली जेड वन मॉड डिवाइडेड बाई जेड टू का मॉड। ये एक पहला प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टीज बहुत सारी है बट जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को बता देता हूँ। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। ये दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर मॉड का पावर जेड का पावर एन का मॉड निकाल रहे हैं, एन मान लीजिए कोई भी नंबर है इसका पावर हम निकाल रहे हैं, सो ये हो जाता है मॉड जेड का एन, ठीक है। इनको दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, आर्ग्यूमेंट एंड पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, या ये कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो आर्ग्यूमेंट और पोलर फॉर्म निकालने मतलब ज़्यादा पूछता है, तो ये मेन टॉपिक है, इसको समझिए अच्छा से। मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। तो ये जो एक्स और वाई है ना, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट का। सो हम लोग उसको एक पॉइंट को डिनोट करते हैं, और ये जो इसके स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजिन से, ये होता है उसका मॉड्यूलस, ठीक है। और ये जो थीटा बनता है, एक मान लीजिए थीटा एंगल है, सो इसका ये हो जाएगा एक्स एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, और ये हो जाता है आर साइन थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो यही इक्वल करते करते हम लोग इसको इसका भी वैल्यू दे देते हैं y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है ना। तो ये बस डायग्राम समझिए कि एक मॉड्यूलस
कहाँ क्या होता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये कोऑर्डिनेट होता है, ये एक डिस्टेंस होता है पॉइंट का ओरिजिन से, ठीक है। सो इसमें थीटा ही को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और थीटा जो होता है वो उसका रिलेशन क्या है कि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, थीटा ही होता है उसका आर्ग्यूमेंट। और आर जो है उसको बोलते हैं इसमें मॉड्यूलस, ठीक है। और इसमें एक और चीज है पोलर फॉर्म, कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जैसे इसमें x और i, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, इसमें x का वैल्यू r साइन थीटा है और y का वैल्यू r, इसमें x का वैल्यू r cos थीटा है और y का वैल्यू r साइन थीटा है। सो जब हम इसको ये वैल्यू में लिखते हैं, मतलब इसको इसमें, सो z इज इक्वल टू x का जगह में हम लोग लिख देंगे r cos थीटा और i y का जगह हम लिख देंगे r साइन थीटा, ठीक है। इसमें r r कॉमन है तो r को कॉमन ले लेते हैं, सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। सो ये जो आई साइन थीटा, ये ही कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ये फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो ही उसको बोलते हैं कि वो उसका पोलर फॉर्म है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन लेते हैं, माय कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वन प्लस वन वन आई, सॉरी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वन प्लस आई, ठीक है, ठीक है। सो वन प्लस आई है, तो वन प्लस आई मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हम लोग आर्ग्यूमेंट कैसे निकालें। तो इसका एक्स का वैल्यू क्या हो गया वन, और वाई का वैल्यू कुछ नहीं है तो वन ही दिया हुआ है, तो वाई इक्वल टू वन। तो इसका टेन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाई बाई एक्स, मतलब वन बाई वन, दैट इज वन। सो टेन थीटा इज इक्वल टू वन, सो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई फोर, ठीक है। इसमें एक और चीज समझने का है कि थीटा को हम लोग हमेशा ना प्रिंसिपल 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 क्वाड्रेंट में हम लोग इसको हमेशा शो करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू या क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग हमेशा लिखते हैं, ठीक है। अगर थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, सो अगर थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा का वैल्यू थीटा ही रहता है। अगर थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है सो थीटा का वैल्यू जो होता है पाई माइनस थीटा हो जाता है। और अगर थीटा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में होता है सो थीटा का वैल्यू जो हो जाता है वो माइनस पाई प्लस थीटा होता है। और अगर थीटा का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा का वैल्यू हो जाता है सिंपली माइनस थीटा। अब हमको पता कैसे चलेगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो इसका जो एक्स है और इसका जो वाई है, इसी को बताया था मैंने पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो सिंपली इसमें देख लीजिए, आपका इसमें वन है, इसमें भी वन है, तो ये वन कोमा वन कोई पॉइंट है तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसीलिए हम लोग इसका टेन थीटा का वैल्यू थीटा ही, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू। बट अगर कोई हमारे क्वाड्रेंट चेंज होता है तो हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट। सो अब हम बोल अब पते समझेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई वी, ठीक है। सो स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमको समझना पड़े। इसमें जो पहले देखते हैं कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट ए है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट है बी, ठीक है। सो अगर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो रूट अंडर जेड का फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर रियल ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड डिवाइडेड बाय टू प्लस रूट अंडर आई है रियल ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। अगर इमेजिनरी पार्ट इसका जीरो से बड़ा है तो, मतलब बी जो है वो जीरो से बड़ा है तो, और अगर बी जीरो से छोटा है यानी कि इमेजिनरी पार्ट इज लेस देन जीरो, सो रूट जेड का फॉर्मूला हो जाता है रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस मॉड जेड डिवाइडेड बाय टू माइनस रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस मॉड जेड डिवाइडेड बाय टू। डिफरेंस बस ये प्लस और ये माइनस का होता है और कुछ नहीं, ठीक है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको प्लस नहीं, यह माइनस होता है, ठीक है।